नमस्कार, मेरा नाम है संकल्प परदेशी। वेलकम टू माय चैनल आई रिव्यू ऑल। आज हम रिव्यू नहीं करेंगे, बट आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC पर हो रहा है, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम दोनों देशों की बॉर्डर्स हैं, उस पर जो पिछले 1.5 से 2 महीनों में चाइना ने हमारे देश पर विदाउट एनी रीजन जो अग्रेसिव स्टैंड लिया है और जो अग्रेसिव एक्शंस कर रहा है, उस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आपके पास कोई फैक्ट्स जो मैंने गैदर किए हैं, उस बारे में मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने पुट अप करूंगा, तो आप एक पिक्चर में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जो डिबेट्स हुए हैं, जहां पर पिछले डिफेंस मिनिस्टर्स और अब के जो डिफेंस मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर्स की बातें हैं, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि अब की जो NDA गवर्नमेंट है और जो पिछली UPA गवर्नमेंट थी, उन दोनों के स्टैंड में क्या मेजर फर्क है, कौन देश हित के लिए काम कर रहा है और कौन अपने हित के लिए काम कर रहा है। ये मेरा निजी ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, यू आर वेलकम टू इट। बहरहाल हम शुरू करते हैं। तो मैं ज़्यादा 1962 की जो एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हुई थी इंडिया और चाइना में 1962 में, जब चाइना में हम पर युद्ध छेड़ा था, वो सब चीज़ों में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एकदम रीसेंट हिस्ट्री 2013 में UPA के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंथनी, इनकी स्पीच है पार्लियामेंट में, आप लोग देखिए। I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. इस speech में हमारे defense minister, हिंदुस्तान के defense minister बोल रहे हैं, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर इज टू लीव इट अनडेवलप्ड। हे राम, कैन यू बिलीव दिस? 2013 में हमारे देश में ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में कहा गया। पता नहीं हम सब कहां भाग गए थे, या कहां गायब हो गए थे, या हमारी सोच हमारा साथ नहीं दे रही थी कि हमने ये सब चीज सुनी और कोई रिएक्ट नहीं किया। ना कोई मेजर न्यूज़पेपर में इसकी हेडलाइंस हुई, ना किसी ने इस पर डिबेट किए। I am shocked and I am surprised. Why? Anyways, अब मैं आपको सुना रहा हूं करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह जी की स्पीच रिगार्डिंग LOC एंड LAC। सुनिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो PO इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे? आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के PO को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। देखा दोस्तों, फर्क सोच में और कर्म में, दोनों की स्पीचों से आपको समझ में आ गया रहेगा कि क्या इनकी दुविधा थी या क्या इनके प्रॉब्लम्स थे, कि ये चाहते नहीं थे कि हमारे बॉर्डर्स डेवलप हो। और आज ये एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अब जो
दोनों एलओसी और एलएसी, एलओसी इज टुवर्ड्स पाकिस्तान साइड एंड एलएसी इज टुवर्ड्स चाइना साइड, दोनों जगह जो बॉर्डर डेवलपमेंट आज के डेट में, रोड डेवलपमेंट कह लीजिए, ब्रिज डेवलपमेंट कह लीजिए, हर चीज की जो डेवलपमेंट चल रही है वो अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे चल रही है। इसीलिए चाइना हैरान है, क्योंकि जब हमने 70 साल में इतनी डेवलपमेंट नहीं की बॉर्डर में, तो अब हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए वो हम पे अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बखूबी दिया है। मैं लेह और लद्दाख को काफी एक्सटेंसिवली पर्सनली देख चुका हूं, और मैं आपको बता रहा हूं 2016-17 में जब मैं वहां कर गया था, तो जो लेह लद्दाख, लेह से पैंगोंग का जो रास्ता होता है वहां पर, मैंने 2016-17 की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, 2016-17 में मैंने देखे हजारों बैरल्स ऑफ डीजल एंड अदर इक्विपमेंट्स केप्ट रेडी फॉर एनी वॉर सिचुएशन। तो आई एम श्योर 2020 में जब ऑलरेडी चाइना अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी तैयारी इससे 10 गुना ज्यादा होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि जब हम हमारे वीर जवानों पर अटैक्स हुए थे बाय पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स ऑन आर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स, तब आज की जो हमारी सरकार है उसने कैसे जवाब दिए थे, वर्सेस 26/11 को जो मुंबई में अटैक हुए थे जहां पर सिविलियंस को टारगेट किया गया था और पूरा शहर मुंबई जहां मैं रहता हूं दहशत में रहा था फॉर 3 whole days। उस वक्त की स्पीच जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और आज की स्पीच जब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों स्पीचेस आप देखिए और कंपेयर कीजिए दोनों नेता और दोनों लीडर्स का रिस्पॉन्स। द इश्यू इज टेरर एंड टेरिटरी इन पाकिस्तान बीइंग यूज्ड to promote, to aid and abet this terror. I think that is the issue. The issue is not war. Nobody wants war. Right. So, but the question that everybody asks is, what exactly do you want? Do you want the ISI to be under civilian control? What are the steps forward? Because you know, this thing carries on. No. We would like an objective effort to dismantle the terror machine. The government of Pakistan knows what that implies, and we expect them, as a member of the United Nations, there are several United Nations resolutions, not 1, 2, 6, 7, but many resolutions passed over the years. We would like Pakistan to comply with those resolutions. We would like the international community to use its powers of persuasion to persuade Pakistan to comply with those resolutions. मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों नेताओं में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है कर्म का। एक ने सिर्फ और सिर्फ निंदा की और एक ने एक्शन करके दिखाया, वो भी एक बार नहीं, दो बार। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हो, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी आर्मी को खुली छूट दी है कि आपको जो सही लगे सही टाइम पर आप एक्शन लीजिए। इसे सिर्फ और सिर्फ यही आर्मी हमारी पहले भी कर सकती थी, बट उनके हाथ बांध के रखे थे, आज उनके हाथ खुले हैं इसलिए वो मजबूत हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिनको ठोकना है ठोक कर आ सकते हैं और वो दिखाते हैं। अभी भी जो एलएसी पे गलवान वैली में क्लैश हुआ, चाइना तो कभी मानेगा नहीं, चीनी माकी की तो आदत ही ऐसी है, बट हमारे बिहार रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। सम फिगर से मोर देन 50, सम फिगर से मोर देन 40, बट चाइना को जरूर और जरूर हमने बेशुमार तरीके से मारा है। तो यही फर्क होता है, जब एक निर्णायक नेता होता है वो
अपने आर्म फोर्सेस को खुली छूट देता है ताकि वो मुंह तोड़ तो छोड़िए हाथ पैर छाती तोड़ जवाब देता है। और ये फैक्ट्स ग्लोबल टाइम्स जो चाइनीज ट्विटर हैंडल ऑफिशियल है उसने भी अग्री किया है कि वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट अ पैरानोया अमंगस्ट द सिटीजंस। तो आप खुद समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि चाइना में भी बहुत भयंकर मार खाई है। एनीवेज मुझे बहुत दुख होता है जब बहुत सारे ये जो सोशल मीडिया पे आए रहे गहरे ओने पौने लोग आके बोलते हैं आरएसएस चले जाओ लड़ने, ये चले जाओ लड़ने। अरे भैया हमारी जो आर्मी है ना वो पूरे विश्व में किसी को भी हैंडल करने की क्षमता रखती है। भगवान ना करे ऐसा दिन आए तो आरएसएस तो छोड़िए हर हिंदुस्तानी खड़ा रहेगा इनके साथ, और बॉर्डर पे भी जो हम जैसे नौजवान हैं पहुंच जाएंगे। तो अपना ज़रा ज्ञान ना अपने पास ही रखो कि 2 रुपये का तो आपका ज्ञान है ना, इनकम टैक्स कितना भरते वो बोलो फिर ज्ञान बांटो। मैं जो बोल रहा था वो ध्यान से सुनिए। चाइना ना एक ऐसी भयंकर मशीन है ना जो सारी चीज़ निगलना चाहती है। तो हमें एज सिटीजन्स क्या करना है? ऑफकोर्स जैसे वांगचुक जी ने भी कहा, सॉफ्टवेयर इन अ डे एंड हार्डवेयर इन अ ईयर, गेट अवे फ्रॉम दिस चाइनीज माइंडसेट। कल ही देश के प्रधानमंत्री ने और देश की कैबिनेट ने निर्णय लिया है 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर देंगे। वेरी गुड, बैन करो, भगाओ इनको यहाँ से, क्यों चाहिए हमको भाई। कोई इंडियन आदमी सेम टिकटॉक जैसा ऐप कॉपी करके बनाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। शिक्षक नाम रखो, जो भी नाम रखकर रख लो, बनाओ और वापरो सेम टिकटॉक के, सब आ जाओ टेढ़े मेढ़े बाल बना के पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडियन ऐप होना चाहिए भाई। अब हमें इंडिया और चाइना के बारे में जरा समझना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री ने एयर स्ट्राइक्स करी, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी, किसी को बोला नहीं ना प्रचार किया, चुपचाप करके आए उसके बाद बताया, वैसे ही शांति रखो। और इंडियन आर्मी पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो प्लीज़ ये चैनल को अभी बंद कर दो, ठीक है। इंडियन आर्मी पे भरोसा है, देश पे भरोसा है तो ही देखना भाई। और जो हमारे बुद्धिजीवी भाई साहब हैं, द 50-year-old kid मिस्टर राहुल गांधी, बेटा बाप के जैसे हेयर स्टाइल बनाने से आप में बाप की खूबियां नहीं आ सकती हैं, जरा समझो। जब आके भौंकते हो कि इंडियन आर्मी को विदाउट हथियार क्यों भेज दिया गया, तो बेटा जाके अपनी मम्मा को पूछो 1996 में, 1999 में, 2013 में क्यों अग्रीमेंट साइन किए कि बॉर्डर पेट्रोलिंग विदाउट वेपन्स होगी चाइना के साथ। साइन तो आपने किया, टट्टी तो आपने की, साफ हम करेंगे, यही तो हमारा काम है। तो जब बोलोगे ना सिर्फ बाल की हेयर स्टाइल ना चेंज करो, अपने कर्म भी चेंज करो, तो शायद 1% ऑफ हिंदुस्तान आपको सीरियसली लेने का सोचे। जब मैं ये सब चीज कह रहा हूं तो मैं प्रो मोदी नहीं हूं, मैं प्रो देश हूं, और मेरे देश को आज मोदी जी की जरूरत है। कल किसी और की होगी तो हम उसका गुणगान करेंगे, बट आज इनसे सही नेता मेरे देश में मेरे को नहीं लगता है कोई है जो हर स्थिति को संभालने की क्षमता रखते हो। दिस इज अगेन माय ओपिनियन, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट यू आर वेलकम टू हैव इट, प्लीज कमेंट एंड शेयर योर व्यूज, आई विल बी ओपन टू रिप्लाई टू देम। और जो ये LAC पे बॉर्डर स्कूमिशेज जिसको बोलते हैं, जिसमें झड़प होती है, हमारे सोल्जर्स का भी उनको अटैक करते हैं ये, और ये सब अटैक मतलब ये पत्थर फेंकते हैं, लकड़ियों से मारते हैं, ये आज नहीं, ये सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि डिफाइंड नहीं है बॉर्डर, बॉर्डर इज नॉट डिफाइंड। वो बोलता है ये मेरा इलाका है, हम बोलते हैं ये हमारा इलाका है, और इसलिए स्कॉमर्शिज होती रहती है। और अगर रिकॉर्ड चेक करने हैं ना तो प्लीज चेक 2004 से 2014 10 साल कितने बार चाइना ने हमारे देश के ऊपर अग्रेशंस किए हैं, और 2014 से 2020 तक कितनी बार चाइना ने अग्रेसिव एक्शंस लिए हैं। ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है क्योंकि अंडरस्टैंड कि ये होते रहता है, इस बार बहुत सीरियस होगा क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए, और ये बहुत ही निंदनीय है, और ये बहुत ही हमारा खून खोलने वाली चीज़ है। और इसका जवाब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जस्ट हैव पेशेंस। जैसे हमने पेशेंस रखे थे और हमें नतीजा मिला पाकिस्तान के साथ, वैसे ही चाइना के साथ भी ज़रूर मिलेगा, मुझे मेरे देश पर और मुझे मेरे देश की गवर्नमेंट पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे आर्म फोर्सेस पर 100% विश्वास है। आपको भी होना चाहिए। प्लीज़ ये वीडियो को ध्यान से देखिए, डोंट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UP और NDA, बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन, एंड यू विल अग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव सेड। इफ यू डोंट अग्री प्लीज कॉमेंट एंड गिव मी योर फैक्ट्स एंड योर फिगर्स। विद दैट आई वुड से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्पेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दिल से प्लीज रिमेंबर डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बट ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज
जय हिंद, सिया।